भोपाल के पॉस एरिया में मां की हत्या करने वाला बेटा अब पछता रहा है। पुलिस ने उससे पूछा कि हत्या क्यों की तो बोला यूट्यूब में हॉरर फिल्म देखने से दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, दिमाग सुन्न हो गया था। मां ने मेरी शादी को लेकर भी ठीक जवाब नहीं दिया, इस पर गुस्सा आ गया। यह पूछने पर कि अब दिमाग ठीक है तो तब सिर हिलाकर हां में जवाब दिया। उसने यह भी कहा कि अब मां की याद आ रही है, पुलिस उसका मनोचिकित्सक से चेकअप कराएगी। कोहेफिजा थाना प्रभारी विजय सिंह सिसोदिया ने बताया, बिस्मिल्ला मस्जिद के पास खानू गांव में रहने वाली आसमा फारूक पति सलीम हाउस वाइफ थी। उनके दो बेटे हैं, बड़े बेटे का नाम अताउल्ला है, छोटा बेटा 32 साल का अब्दुल अहद फरहान है। मंगलवार को अताउल्ला खान पत्नी के साथ अशोका गार्डन अपने ससुराल गया था, घर में मां छोटे बेटे के साथ थी। रात 10:15 बजे अताउल्ला अपने घर लौटा, देखा तो मां खून से लथपथ पड़ी थी। छोटे भाई अब्दुल ने बताया मां छत से गिर गई हैं। अताउल्ला मां को लेकर अस्पताल पहुंचा, डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उसने पुलिस को सूचना दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। बुधवार को पीएम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हुआ। टीआई विजय सिसोदिया ने बताया कि आरोपी झूठी कहानी रच रहा था, उधर रिश्तेदार बड़े बेटे पर शक कर रहे थे। इस बीच पुलिस घर पहुंची, वहां अब्दुल अहद बैट प्लास्टिक का डंडा धोता मिला। पुलिस ने जब उससे वजह पूछी तो गुमराह करने लगा, सख्ती करने पर बताया कि उसने मां को इसी डंडे से मारा है, खून लगा होने से उसे धो रहा था। पता चला है कि वारदात से पहले आरोपी ने मोबाइल में हॉरर फिल्म देखी थी, ये पता नहीं चला कि उसने कौन सी फिल्म देखी थी। महिला के रिश्तेदारों का एक पक्ष बड़े बेटे को आरोपी बताता रहा, इस वजह से पुलिस की जाँच में देरी हुई। टीआई का कहना है कि पुलिस ने बड़े बेटे की भूमिका को लेकर भी जाँच की लेकिन ऐसे साक्ष्य नहीं मिले। इसी बीच महिला के छोटे बेटे ने गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी अब्दुल अहद फरहान हॉरर फिल्में देखने का आदि है, वह हर रोज मोबाइल पर डरावनी फिल्में देखता था, देर रात तक वह मोबाइल में फिल्में देखते रहता था। पूछताछ में उसने यह बात खुद कबूली कि मां की हत्या से पहले उसने हॉरर फिल्म देखी थी, इसके थोड़ी देर बाद मां से अपनी शादी के लिए बोला, मां के मना करने पर उसने हत्या कर दी। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।